Hello, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 3rd of December 2021, Friday. Inspiration of the day is When You Get Tired, Learn to Rest, Not Quit. In today's discussion, we are going to cover these articles. So, let's start with article number one, given on page number one Privatization process for non strategic sectors set for resig. So, center is all set to raise the privatization process for the companies in non-strategic sectors. If you are regularly following news analysis, you must be knowing that Niti Aayog as well as government has decided or categorized government investment or public-owned companies into two uh, categories or two parts: strategic sectors or non-strategic sectors. And it was the Niti Aayog. विच हैज़ प्रिपेयर दिस लिस्ट और जिसमें अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में गवर्नमेंट का कितना इन्वेस्टमेंट रहना है और नॉन स्ट्रेटेजिक में मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट वॉज प्लानिंग टू प्राइवेटाइज इस तो इस बार जो भी प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है मोर स्पेसिफिकली नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर जैसे कि स्टील टूरिज्म अर्बन डिवेलपमेंट हेल्थ केयर इन सभी सेक्टर को जिनको आत्मनिर्भर भारत की न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी के तहत आइडेंटिफाई किया गया है एज अ नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर उनके प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस को गवर्नमेंट थोड़ा सा ऑल्टर करने जा रही है थोड़ा सा मैनुपलेट करने जा रही है रिजिक मीन होता है टू ऑल्टर टू मैनुपलेट स्लाइटली और टू रीअरेंज सो द कोर ऑफ कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रियट ऑन डिस इन्वेस्टमेंट दैट इज सी डी जी जो कि कमेटी हेड कर रही थी कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा तो फिलहाल दिस पर्टिकुलर कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर राजीव दिस प्रोसेस एंड आफ्टर दिस क्लियरेंस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस विल एग्जामिन ऑल दिस नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर एंड आइडेंटिफाई एंड विल आइडेंटिफाई दब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन टू दीज फॉर प्राइवेटाइजेशन अभी तक स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर की जो लिस्टिंग थी वो नीति आयोग ने करी थी बट दिस टाइम कोर ग्रुप ऑफ क्रिएट की जो कमेटी है उसने ये डिसाइड किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज़ेज विल आइडेंटिफाई ऑल द पी दैट कम्स अंडर नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन And according to the new public sector policy or new public sector enterprise policy, companies or government investment in non strategic sector would be considered for privatization wherever is feasible, or else they would be. क्लोज तो गवर्नमेंट नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस या इंटरवीन नहीं करना चाहती गवर्नमेंट के जितने भी इन्वेस्टमेंट एज पर द करंट करंट गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट है नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में उनमें या तो उन इन्वेस्टमेंट को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या फिर अगर वो एंटिटी प्रॉफिट अर्निंग नहीं है या जो भी क्लासिफिकेशन या जो भी पैरामीटर या, या यूज़ करें उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को या पी को क्लोज कर दिया जाएगा इन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर द पॉलिसी मैंडेट इज़ ईदर टू प्राइवेटाइज द पी or to close them so now these sectors will be examined by department of public enterprises as per the core group of secretaries after sectoral evaluation दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज वुड रिकमेंड द नेम ऑफ पी एस यूज इन फ्राम ऑल दिस नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर तो आप ये याद रख सकते हैं कि नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं हालांकि वे लिस्टिंग तो फाइनल हुई नहीं है आफ्टर सम टाइम दिस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस विल सजेस्ट द नेम ऑफ पी एस यूज दोज हुर दो विच आर गोइंग टू बी प्राइवेटाइज अंडर द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट अंडर आत्मनिर्भर भारत तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस लिस्टिंग करेगा और ये लिस्टिंग दीपम को दी जाएगी दीपम स्टैंड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट तो ये नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस अगर हम स्ट्रेटेजिक सेक्टर को देखें तो सेम एक्सरसाइज फॉलो करी गई थी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जहाँ पर गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन uh, करना था डिस इन्वेस्टमेंट करना था उस प्रोसेस में सेम प्रोसेस फॉलो करी गई थी सेम प्रोसीजर फॉलो किया गया था बट बाई नीति आयोग वहां पर नीति आयोग ने कंपनीज की या पीएसयूज की लिस्ट आइडेंटिफाई करी थी और दीपम को सजेस्ट करी थी यहाँ पर डीपी करेगा ये काम और इसके बाद कैबिनेट का अप्रूवल लेना विल बी द डोमेन विल बी द फंक्शन विल बी द रिस्पांसिबिलिटी बाय दीपम इसके बाद की सारी प्रोसेस जो है कि कैबिनेट अप्रूवल ले फिर उसको सब कराना जितना भी काम होगा एडमिनिस्ट्रेटिव दैट विल बी टेकन केयर बाय दीपम हालांकि अब यहाँ पर अगर बात आ रही कि रिज़िक किया गया तो इससे पहले का कुछ और प्रोसेस होगा तभी तो इसको अल्टर किया गया पहले का प्रोसेस ये था कि इससे पहले सारा जो काम था अप्रूवल तक का सारा काम वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को दिया गया था कि आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीएस भी करेंगे कैबिनेट से अप्रूवल भी लेंगे बट अब डीपीई को सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीएसयू का फंक्शन दिया गया है इसके बाद डीपीई जो लिस्ट है वो दीपम को दे देगा दीपम विल कैरी ऑन ऑल द अदर फंक्शन सो हाउ इट विल वर्क डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस विल एग्जामिन द नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर विद सेक्टर नीड्स टू बी प्राइवेटाइज इन अ फर्स्ट फेज कौन उस, और उस सेक्टर में से कौन कौन सी पी जो है उनको प्राइवेटाइज पहले किया जाएगा इसके बाद दीपम को लिस्ट सजेस्ट कर दी जाएगी दीपम विल गो टू द कैबिनेट अप्रूवल और नॉन स्ट्रेटेजी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं आप याद रखेंगे स्टील टूरिज्म अर्बन डेवलपमेंट हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स जहाँ जो कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम कहते हैं नहीं होते हैं तो बेसिकली उसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पर नीति आयोग ने रिविशन किया था अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर सिक्स आई मूव ऑन सीओ सी रेजेस क्वेश्चन ऑन जीशन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया ने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के लिए एक नया कोड ऑफ कंडक्ट प्रेजेंट किया है नया कोड ऑफ कंडक्ट प्रपोज किया है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड आपको पता होगा आई बी सी वन ऑफ द लैंडमार्क कोड बीन पास बाय गवर्नमेंट फॉर फर्स्ट इन द इनसॉलवेंसी एंड बैंक करप्सी प्रोसीडिंग्स जो कि इंडिया में बहुत टाइम लेती थी कभी भी तो उसी के तहत एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जिस बोर्ड का नाम था आई बी बी आई इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया तो रिसेंटली आई बी बी आई ने एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रपोज किया है किसके लिए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी ओ सी कहते हैं कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी का जब प्राइवेटाइज बैंक करपसी पर जाती है कोई भी कंपनी या कोई भी कंपनी डिस इन्वेस्टमेंट पर जाती है या लिक्विडेस्टमेंट पर जाती है या इंसॉलवेंसी पर जाती है तो एज पर आई कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनती है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं अगर आपको बताऊँ तो वो सारे इंडिविजुअल्स पर्सनल्स या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका किसी भी फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन पर क्रेडिट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें बैंक्स होते हैं जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं जो बड़े बड़े लोन देते हैं कंपनीज को वो इस कंसोशन का पार्ट होते हैं कमेटी ऑफ ट्रिक्ट का पार्ट होते हैं और ये कमिटी ऑफ ट्रिडर्स जो होती है ये वोटिंग करते हैं और इसी वोटिंग के बेसिस पर जो कंपनी इंसॉलमेंट हो रही होती है बैंक की प्रोसीडिंग चल रही होती है उस पर उसका फ्यूचर डिसाइड होता है कि उसके असेट सेल किए जाएंगे कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी किस तरह से उसका लिक्विडेशन होगा तो ये कमेटी ऑफ जो क्रेडिटर्स होती है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है जो किसी भी एन या नॉन परफॉर्मिंग असेट या कंपनी जो कि इंसॉलमेंट होने वाली होती है उसका फ्यूचर डिसाइड करती है तो रिसेंटली इंसॉलवेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट डाला है और उस कोड ऑफ कंडक्ट को प्रपोज करने के बाद से बहुत ज़्यादा फ्लटर क्रिएट हुआ है जिडिक्शन को लेकर के स्पेशली हालांकि बहुत सारे अदर रूल्स को लेकर के भी कंफ्यूजन uh, है डिस्कशन है बट जिरोन को लेकर के ज्यादा इशूज जनरेट हो रहे हैं वाइल मैनी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिश फील्स दैट आई बी एक्टेड आउट ऑफ इट्स रेमिट द रेगुलेटर इज होप फुलशुइंग द गाइडलाइंस फॉर सीओ सी बाई नेक्स्ट मंथ तो अभी याद रखेंगे इट इज अ हालांकि बहुत सारे ऑफिशियल्स का ये कहना है कि आईबीबीआई ने जिस तरह के कोड ऑफ़ कंडक्ट लाए हैं ये आई के रैल्ब में नहीं है उसके जिरोडिक्शन में नहीं है इसके बाद भी आईबीबीआई बी बैंक बोर्ड ने ये कोड ऑफ कंडक्ट प्रेजेंट किया और इसको फ़िलहाल के लिए ऐसा ज्यूम किया जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ से ये एप्लीकेबल हो जाएगा सी पर Main issue kya hai? This move has added to the growing concern around the role of insolvency regulator and whether it has delivered the goods. Expert says while the regulator started with promise, the IBBI needs to get it focused back on implementation of law and making the IBC success rather than issuing the new set of norms. तो कई सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो बोर्ड है उसका काम रूल्स बनाना नहीं है बोर्ड इज मॉरल इज रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आई बोर्ड का फंक्शन ये होना चाहिए बोर्ड का रोल ये होना चाहिए कि आईबीसी को एक सक्सेस एक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए और आईबीसी बी इमर्ज एज अ शुड इमर्ज एज अ सक्सेसफुल कोर्ट रादर देन इशूइंग द रेगुलेशन फॉर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स और इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर्स ये काम आई आई का नहीं है तो ये काम किसका है ये काम इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर्स का है हालांकि आई बी का अपना जो पॉइंट है वो ये कहना है कि भाई हमने तो ड्राफ्टिंग के समय भी रेगुलेटर्स को जो भी अदर रेगुलेटर्स आते हैं जिनका जरुडिक्शन है इस पर्टिकुलर फील्ड में उनको इन्वॉल्व किया था ड्राफ्टिंग की स्टेज पर दो इट इज़ येट टू रिसीव द फीडबैक ऑन ड्राफ्ट प्रपोजल आई ने बोर्ड का अपना एक टेक है कि उसने कहा कि हमने तो इंसॉल्डेंसी जो रेगुलेटर्स हैं उनको इन्वॉल्व भी किया था उनको प्रपोज ड्राफ्ट सेंड भी किया है बट उनके साइड से कोई फीडबैक नहीं आया है इट्स प्लान हाउर इज नॉट टू इन इट्स गाइडलाइन डायरेक्टली बट टू अलर्ट द रेगुलेटर कंसर्न इफ दे फाइंड एनी लैप अकॉर्डिंग टू द सीनियर मेम्बर तो ये अपना उनका टेक है और बोर्ड का यह कहना है कि डेफिनेटली हम इसे अकेले तो इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे जो रेगुलेटर्स हैं उनकी हमें जरूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर इन्फोर्सिंग दिस कोड ऑफ कंडक्ट मोर स्पेसिफिकली फॉर सीओसी। सी हालांकि कई सारे एक्सपर्ट का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कुछ का है कहना है कि दिस पर्टिकुलर uh, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डू और मेक द रूल ऑन सी ओ सी तो अभी इसको लेकर के बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं तो इस बात के बहुत कम चांसेस है कि जो नए रूल्स रेगुलेशन लाए गए हैं कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया है सी के ऊपर ये आगे जा कर के इम्प्लीमेंट हो इसके अलावा आई बी बी आई नाउ इम्पावर्स द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू पिक अप आई पीज फ्रॉम द पैनल्स टू अवॉइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डीले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशनल आर के अपॉइंटमेंट में जो डीले होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए बोर्ड ने प्लान किया है कि ऐसे जो क्वालिफाइड uh, प्रोफेशनल्स हैं जो आर बन सकते हैं उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड करी जाए उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करी जाए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को जिससे कि वो अपने अकॉर्डिंग आर पी या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल चूज कर सके तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज द पर्पस और वॉट इज द फंक्शन व्हाट इज द रोल ऑफ आर पी प्रोफेशनल जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं इनका बेसिकली काम क्या होता है इस बैंक करपसी प्रोसीडिंग्स में तो जो नए रूल्स रेगुलेशन हैं उसके अकॉर्डिंग बी बी आई ने अपने न्यू गाइडलाइन में यह कहा है कि एक पैनल क्रिएट करगा इट वुड बी क्रिएट अ पैनल ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड विच वुड बी अपडेटिंग एवरी सिक्स मंथ तो पैनल बेसिकली क्या करेगा एक लिस्ट बनाया करेगा हर बार और वो लिस्ट हर छः महीने में अपडेट होगी और उस लिस्ट से ही जो रेगुलेटर्स होंगे दे कैन पिक द आर अब कैसे ये लिस्ट बनाई जाएगी इसको लेकर के भी अलगोरिदम डेवलप करी गई है कुछ स्कोरिंग करी गई है हंड्रेड का स्कोर सेट किया गया है मैक्सिमम और कई सारे क्वालिफिकेशन के लेवल हैं उसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी और सिलेक्शन होगा द आई पी विद द हाइस्ट वॉल्यूम ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेस विल गेट द स्कोर ऑफ जीरो तो कंपेरिटिवली ये लिस्ट प्रिपेयर कर जाएगी मुझे रिलेटिवली एब्सोल्यूट लिस्ट नहीं होगी रिलेटिव लिस्ट होगी और उसके अकॉर्डिंग आरपी का सिलेक्शन होगा फॉर पर्टिकुलर केस ऑफ बैंक करपसी एंड इंसॉल्वेंसी एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग द लिस्ट बोथ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एज वेल एज द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में पिक एनी नेम फ्रॉम द पैनल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंट्रीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल लिक्विडेटर आर पी फॉर अ कारपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग और लिक्विडेशन प्रोसेस और इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन और बैंक करप्सी प्रोसेस रिलेटिंग टू कॉरपोरेट डेटर्स एंड पर्सनल गारंटर्स टू कॉरपोरेट डेटर्स एज वेल तो थोड़ा सा आर पीज को सेलेक्ट करने की जो प्रोसेस है वो आसान हो जाएगी और डेफिनेटली इसके बाद जो बैंक करप्सी और इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएंगी अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर थ्री दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर सिक्स आर कैप्स केस आर बी आई मूव्स एन सी एल ए टी टू स्टार्ट इन सॉलवेंसी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को रिप्लेस कर दिया है और उसके जगह पर या उनके प्लेस पर एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया था और उस न्यूज़ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि आफ्टर दिस रिप्लेसमेंट आफ्टर दिस सस्पेंशन आफ्टर दिस सुपर आर बी आई विल गो फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग ऑफ रिलायंस कैपिटल और कितना डेट का अमाउंट था रिलायंस कैपिटल पर वो भी हमने डिस्कस किया था तो आज फिलहाल थर्सडे को ये न्यूज आ गई है दैट आर बी आई इज मूविंग टू मुंबई बेंच ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एन सी एल टी फॉरवर्ड फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करपसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रिलायंस कैपिटल तो गवर्नेंस और डिफॉल्ट इश्यूज़ को साइट करते हुए मुंबई बेंच में आरबीआई ने इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी हैं है आरबीआई अपॉइंटेड फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर वाई नागेश्वर राव एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड गेव एन एडवाइजरी बोर्ड टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एज वी द प्रीवियस न्यूज फाइनली रिलायंस कैपिटल के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक प्रोसीडिंग्स प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है तो अब इसके बाद सारा एजुकेशन का फंक्शन सूट जो कितने भी केस पेंडिंग है मोरिटोरियम पीरियड क्या मिलेगा कितने डेटर्स हैं कैसे एग्जीक्यूशन होगा डिग्री क्या होगी सब डिसाइड होगा अबाउट द रिलायंस कैपिटल Recently Supreme Court upholds the arbitration award in favor of Anil Ambani firm the Supreme Court has dismissed the plea filed by the Delhi Metro Rail Corporation DMRC why DMRC filed the case uh, in Supreme Court against the Anil Ambani firms seeking review of its judgments, which upheld the 2017 arbitration award of around फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड करोड़ इन फेवर ऑफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी डेली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड इनफोर्सेबल अगेंस्ट इट तो उसको लेकर के डीएमआरसी ने केस किया था फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जो 2017 में डिसीजन हुआ था दैट वाज फाइनल एंड देर इज अ नो नीड टू रिव्यू दिस अवार्ड अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स क्रेडिट कार्ड स्पेंड क्रॉसेस रुपीज वन ट्रिलियन फर्स्ट टाइम इन अ मंथ दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी एज वेल बायोट बाय द फेस्टिवल सीजन यूफोरिया क्रेडिट कार्ड स्पेंड फॉर फर्स्ट टाइम क्रॉस द मार्क ऑफ रुपीज वन ट्रिलियन फाइनली क्रेडिट कार्ड यूजर्स का या हमें कह सकते हैं जो अमाउंट है जो वैल्यू है वो वन ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर चुकी है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और उसका एक मेजर जो रीजन है वो फेस्टिवल ही है दैट इज रिवील्ड बाय द लेटेस्ट फिगर रिलीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे और अगर मंथ बाईज मंथ बेसिस पर कंपेयर करें तो इट हैज सीन द इंक्रीज ऑफ ट्वेंटी परसेंट डिस्पाइट हाई बेस ऑफ लास्ट मंथ पिछली बार भी और खर्चा हुआ था ट्वेंटी फाइव परसेंट का इंक्रीज देखने को पिछले अगर मंथ की बात करें तो वो फेस्टिवल सीजन का मंथ था उसके बाद भी ट्वेंटी फाइव परसेंट का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है क्रेडिट कार्ड के यूज में ऑन द बेसिस ऑफ मंथ वाइज मंथ और अगर यही कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करें तो 56 परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला है क्रेडिट कार्ड के यूजर्स में इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर सो इन कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर द क्रेडिट कार्ड स्पेंड वर अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी करोड़ नाउ इट हैज़ क्रॉस द मार्क ऑफ वन ट्रिलियन तो फिफ्टी सिक्स परसेंट का अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज देखने को मिला है पिछले साल के कंपैरिजन में मंथ के कंपैरिजन में 25 परसेंट का इंक्रीज है अक्टूबर के मंथ में इन कंपैरिजन टू द लास्ट मंथ द अर्लियर हाई वन मंथ स्पेंड कम इन द मंथ ऑफ सितंबर दिस ईयर तो सितंबर इस साल में यानी इस फाइनेंशियल के सेप्टेम्बर के मंथ में इस सेकंड हाईएस्ट स्पेंडिंग हुई थी फ्रॉम दिस क्रेडिट कार्ड्स अगर बोल सकते हैं क्रेडिट कार्ड का यूजेज जो था वो फर्स्ट हाइएस्ट तभी पहुंचता था 80,000 एटी थाउजेंड करोड़ की स्पेंडिंग हुई थी सितंबर दिस मंथ में सो क्रेडिट कार्ड स्पेंड हैव बीन क्वाइट रोबस्ट इन द पास्ट फ्यू मंथ्स ओनिंग टू स्ट्रॉग इकोनॉमिक रीबाउंड एज वेल एज द फेस्टिवल सीजन और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना कि आगे आने वाले टाइम में ये और ज्यादा इंक्रीज होगा अब देख लेते हैं नेक्स्ट विक मार्केट एक्सटेंड गेंस ऑन स्ट्रॉन्ग माइक्रो नंबर अभी रिसेंटली एनएसओ ने जी का डेटा पब्लिश किया था और उस डेटा के पब्लिश होने के बाद से द बेंच मार्क इन डाइजिस रोज शार्पली फॉर अ सेकेंड स्ट्रेट डे ऑन थर्सडे एज ऑप्टिमिज्म सराउंडिंग इंडिया इम्प्रूविंग माइक्रो इकोनॉमिक डेटा जीडीपी तो ने एक, एक जो थी वो कहीं कहीं रिड्यूस हुई इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, को लेकर के और उसका सीधा इंपैक्ट हमें इंडिया के बेंचमार्क इंडाइसिस में देखने को मिला हालांकि जो न्यू कोरोना वायरस वैरियंट है उसको लेकर के भी थोड़ा सा आ, इम्पैक्ट दिखा शेयर मार्केट में तो जितने ये कह सकते कि जितना उसे इंक्रीज होना था जितना पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप होना था वो नहीं हुआ क्योंकि न्यू जो कोरोना वायरस वेरियंट आया उसको लेकर के अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है अगर बात करें कि इंडेक्स की तो सेंसेक्स सोर अप्रॉक्सीमेटली सेवन पॉइंट एंड निफ्टी हैज़ जम्प अप्रॉक्सीमेटली टू हंड्रेड थर्टी फोर पॉइंट तो निफ्टी और सेंसेस जो कि की इंडिकेटर्स हैं या की बेंच मार्क इंडाइसिस इंडिया के स्टॉक मार्केट में उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला टॉप निफ्टी गेनर्स की अगर बात करी जाए अदानी पोर्ट्स एच डी एफ सी पावर ग्रिड सन फार्मा टाटा स्टील वॉज द टॉप निफ्टी गेनर्स तो अप्रॉक्सीमेटली वन पॉइंट फोर परसेंट का गेन रजिस्टर किया निफ्टी ने आफ्टर द अनाउंसमेंट और आफ्टर द रिलीज ऑफ डेटा बाय एन एस ओ ऑन इंडियाज़ जी टी पी अब देख लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्टली बूस्टर्स एक्सपर्ट से मिक्सिंग वैक्सीन में गिव बेटर कवर तो इंडिया में फ़िलहाल के लिए ओमिक्रॉन आ चुका है दो केस डिटेक्ट हुए हैं कर्नाटका में उसके बाद से बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है क्या इंडिया में बूस्टर डोज लगाई जाए और वैक्सीनेशन की पेज भी बहुत इमीडिएटली स्टार्ट हो गई गवर्नमेंट जो है वो सारे अपने अटेंशन पर आ चुके हैं चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट हो दे ऑल आर कंडक्टिंग डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स तो बूस्टर और एडिशनल डोज को लेकर के अभी अभी डिस्कशन नहीं स्टार्ट हुआ पहले भी डिस्कशन चल रहा था तो उसको लेकर के कई सारे एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है ऐसा एंटिसिपेट किया गया है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन का मिक्सचर एक बार एज अ बूस्टर डोज के फॉर्म में

डिसग्रीमेंट देखने को मिल रहा है कुछ कंट्रीज हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं बूस्टर और एडिशनल डोज को कुछ कंट्रीज़ का कहना है कि देर इज़ नो नीड ऑफ एडिशनल और बूस्टर डोज तो हालाँकि रिसेंटली अब ये तो क्लियर हो चुका है कि इंडिया में ओमिक्रॉन का प्रजेंस है और केस डिटेक्ट हो चुके हैं दो लेकिन उसके बाद से अब जो एक्सपर्ट की राय आ रही है उसको देखते हुए शायद इंडिया में वैक्सीन को मिक्स करके थर्ड शॉर्ट ऑफ सेम वैक्सीन प्रोवाइड किया जाए बट अलग अलग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जैसे कि इफ वैक्सीनेटेड विद कोविड शील्ड थर्ड शॉट्स ऑफ सेम वैक्सीन अनलाइकली टू गिव एनी अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। इफ वैक्सीनेटेड विद कोवैक्सीन थर्ड शॉट ऑफ कोवैक्सीन इज फाइन अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट नो वैक्स वैक्सीन कैन बी यूज एज अ बूस्टर शॉट टू कोविडशील्ड टू डोजेज तो ऐसा ही कहना है कि जिनको कोवैक्सीन दी गई है उनको कोविडशील्ड दी जा सकती है उनको कोविडशील्ड दी गई उनको कोवैक्सीन दी जा सकती है गई, नो वैक्सीन दी जाती है no जा. इसके बाद जो और सारी वैक्सीन फाइजर हो गई या अदर जो वैक्सीन इंडिया में अभी अभी रिसेंटली इनको अप्रूवल मिला है उनके भी डोजेज दी जाती हैं इन दी जा, जा, जा सकती हैं एज अ बूस्टर डोज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द

एनर्जी मिक्स में कि इंडिया अपने आगे आने वाले टाइम में फोर्टी परसेंट जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो अपने नॉन फोजल फ्यूल या रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगी तो एज़ पर द रिसेंट डेटा इंडिया हैज़ अचीव द टारगेट ऑफ फोर्टी परसेंट ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी डींग फ्रॉम नॉन फोजल एनर्जी सोर्सेज एज पर द ऑफिशियल स्टेटमेंट सो एट सी

करने वाली होती है या कर चुकी होती है इन ऑर्डर टू इंप्रूव्ड दे और शो के इज दैट देव अचीव द टारगेट और देअ परफॉर्मेंस इज इंप्रूव्ड और अगर डेटा को लेकर के बात करी जाए तो जिस डेटा के बेसिस पर ये बात कही जा रही है कि इंडिया फोर्टी परसेंट का जो टारगेट है वो अचीव कर चुका है अभी उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हो सकती है कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने बात कही हालांकि गवर्नमेंट सोर्सेज से बात आ रही ऑफिशियल सोर्सेज से बात आ रही तो डेफ़िनेटली क्रेडिबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी द कंट्री हैज़ अचीव दिस टारगेट इन नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिनूबल एनर्जी सेड इन अ स्टेटमेंट तो अगर बात करी जाए कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी हो गई है इंडिया के पास तो कंट्री इंडिया हैज़ इंस्टॉल्ड रिनर्जी कैपेसिटी स्टैंड एट वन फिफ्टी पॉइंट जीरो फाइव गेगा वॉट वाइल इट्स न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इज सिक्स पॉइंट सेवन एट गेगा वॉट सो दिस इज़ द कैपेसिटी दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर और इसका टारगेट कब था दो हजार तीस का टारगेट था

एट गेगा वाट सी नाइनटी पॉइंट एट गेगा वाट इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है जिसमें से इंडिया वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट एट थ्री गेगावाट जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल या न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड इंस्टॉल कैपेसिटी के फॉर्म में यूज करता है एंड द गवर्मेंट इज कमिटेड टू अचीविंग 500 gigawatts of installed electricity capacity from non fossil fuel sources by 2030. तो ये गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि 2030 तक हम 500 सौ गेगा तक की जो एनर्जी और इंस्टॉल कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल के थ्रू करेंगे एज पर द स्टेटमेंट तो जो सी ओ पी ट्वेंटी वन में कमिटमेंट था वो इंडिया नवंबर में अचीव कर चुका है इसके अलावा इंडिया ने खुद के लिए भी एम्बिशियस टारगेट सेट किए हैं सो दैट इज ऑल फॉर टूडे स्टूडेंट्स इफ यू वॉन्ट लेक्चर पी डी एफ यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड सजेशन प्लीज राइट एंड कॉमेंट सेक्शन बिलो Like, share and subscribe. Thank you.